देश की आजादी की लड़ाई के वक्त चरखा आंदोलन का प्रतीक था, बाद में ये रोजी रोटी का जरिया बन गया, लेकिन अब ये चरखा थम सा गया है। वजह ये कि इसे जो लोग चलाते थे वो अब अपना हाथ खींच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश पीर हमारी जानोरे में। क्यों थम गई है चरखे की रफ्तार, बुनकरों पर पड़ी है महंगाई की मार। इस चेहरे को भला कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूछता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया और स्वावलंबी बनने के लिए देश को बताया खादी का मंत्र। हर घर में चरखे से धागा बनाया जा सके और खादी का बना हुआ वस्त्र तैयार किया जा सके, ताकि देश के हर शख्स का तन ढक सके बिना विदेशी कपड़ों के मदद के। बापू की सोच यही थी, लेकिन दौर बदला तो चरखे की रफ्तार भी मध्यम पड़ गई और गुम होने लगी चरखे की आवाज। पहले देश में हर जगह चरखा चला करता था, अब गिनती पर हैं ये चरखे। नागौर के बासनी पुलिया की बात करें तो यहाँ बुनकरों के परिवार 40 साल से रह रहे हैं। पहले चरखा आंदोलन के तौर पर चला, फिर पेट पालने की मजबूरी के लिए। समस्याएं बढ़ी तो चरखा छूटता गया। नाल दिखे अब कतोरिया के अब कत नहीं रही, तो नरे का काम हो रहे हैं गांव में, चरखा हो गया बंद। अब हमारे यहाँ के अमर चरखा लग गया, उसे कटाई हो रही। मुश्किल में बुनकर, कम हो रहे हैं चरखे। इस कॉलोनी में पहले बुनकरों के जहाँ 40 परिवार थे, मुश्किल हालात में अब 5 परिवार ही चरखे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि समस्या मजदूरी की है, कम पैसों में आखिर गुजर भी तो नहीं होता। अब जब से नरेगा का काम शुरू हुआ है, लोगों का रुझान उधर बढ़ा है। यहाँ पर तो कच्चा माल वो है ही वैसे समस्या, और दूसरी बात है कि यहाँ रहने के लिए जो है कुछ वो भी व्यवस्था है और मनमानी भी कुछ चलती है यहाँ पर। खादी ग्राम उद्योग से जुड़े लोग मानते हैं कि चरखा काट कर इन बुनकरों का गुजारा नहीं हो पाता। पूरा दिन काम करने के बाद इनके हाथ महज 100 से 150 रुपए ही आते हैं, जबकि नरेगा में इन लोगों को कहीं ज्यादा मजदूरी मिलती है। तागा निकालना, फिर उसको बुनाई करना, फिर कटाई करना, तो इतनी मजदूरी नहीं पड़ता जितनी मतलब दूसरे जिला से पड़ती है। आगे मजदूर जाता है शहर करने 200-250 रुपए 300 मजदूर कर लेता है, इसमें पूरा परिवार लगा रहता है तब 150 या 200 रुपए होते हैं। इस वजह से कम रुझान हो गया खादी की ओर। सरकार को अब बुनकरों की बेहतरी के बारे में ठोस कारगर कदम उठाने चाहिए। आज हमारे देश में भले ही खुद की कपड़ा मिले हो चुकी हों, हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हों, लेकिन हमें चरखे की अहमियत को समझना है, उसके अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, बापू की विरासत है। शबीक अहमद उस्मानी, सहारा न्यूज ब्यूरो, नागौर।